हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुल्तान फ्रॉम एनबीजीआई एंड दिस इज योर बायोलॉजी क्लास फॉर क्लास 12 एंड चैप्टर नंबर 4 बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक इज आर। बेटा कल हमने बात कर ली थी कि इन विट्रो फर्टिलिटी, वहां पर मैंने आपको बताया था बेटा इन विवो एंड इन विट्रो क्या होता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा कि जैसे कल आपको पढ़ा था आप लोगों ने इनफर्टिलिटी, है ना, तो वहां पर एक चीज आपने समझी थी बेटा कि इनफर्टिलिटी में क्या होता है, देयर आर अ कपल इज नो कन्विंस, है ना, यानी कि ऐसा कपल बेटा जो कंसीव नहीं कर पा रहा है उसको हमने क्या बोला, इनविट्रो बोला था। इनविट्रो के दो आपने टाइप पढ़े थे, है ना, प्राइमरी इनविट्रो, सेकेंडरी इनविट्रो। ठीक है, उसके बाद फिर अब आप ट्रीटमेंट पर आइए। ट्रीटमेंट क्या है बेटा, आर्ट आर्ट टेक्निक होती है, देखिए इसको फुल में क्या बोलते हैं। ठीक है, एक और क्या होगा बेटा, ठीक है, आर फॉर रिप्रोडक्टिव, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, यानी कि बेटा इसमें क्या बोला जाए कि रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज असिस्टेड आर बोलते हैं। ये टेक्निक होती है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ यहां पर मैं आपको टाइप बताता हूं। फर्स्ट है बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी, सेकेंड बेटा AIT, थर्ड गिफ्ट, सेकेंड इक्सी, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका बेटा सरोगेट मदर। ठीक है, तो यहां पर स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखिए बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होगा, ऐसे कपल जिनमें मेल और फीमेल, मान लीजिए मेल और फीमेल, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ना, मान लीजिए कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक आपको बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट ही देखिएगा। सबसे पहले बेटा लैब में जाएंगे, लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी में जाने पर बेटा एक टेस्ट ट्यूब का यूज करेंगे, ये बनाया टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे बेटा, टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हमने क्या किया, स्पॉन, ठीक है, ये क्या करा बेटा, एक क्या है, एक याद करिएगा बेटा, जो एक होगा वो नॉट, ठीक है, ये कैसा होगा, लैब में बना होगा, है ना, इसको लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, किसी डोनर का स्पॉन लेंगे, आपने मूवी देखी होगी विकी डोनर, ठीक है ना, वहां पे आपने पूरी चीज क्लियर कर ली होगी। तो डोनर में क्या होता है, यहाँ पे बेटा डोनर का स्पॉन ले लेते हैं, ठीक है, आप जब डोनर का स्पॉन लेंगे तो उसको इसमें जाके फर्टिलाइज कराएंगे, ठीक है। ये कब टेक्निक होती बेटा, इसके लिए दो चीज याद यूज करेंगे, एक तो ये हस्बैंड का हो सकता है स्पॉन, या किसका डोनर का भी हो सकता है, तो मैं दोनों चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, हस्बैंड का हो सकता है, डोनर का भी हो सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा बेटा, इसमें जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट जब बन जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, इसको बेटा ट्रांसफर करते कहाँ पे, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, है ना, इसकी टेक्निक होती याद रखिएगा। देखिए तीन टाइप होते हैं, पहला ट्रांसफर कब करेंगे, आफ्टर द जाइगोट कंडीशन, जब जाइगोट बनेगा, और आप जानते हो जाइगोट कब बनता बेटा, जब दो सेल डिवाइड होती है, कब होंगी बेटा, माइटोसिस में होंगी, स्टूडेंट याद रखिएगा, माइटोसिस होने के बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट को कहां पे ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में कर देते हैं, पहली टेक्निक होती है। सेकेंड क्या होती है बेटा, यहां पर लेस देन 8 सेल, ठीक है, लेस देन या 8 सेल भी आप बोल सकते हो, जब ये कंप्लीट बन जाती है तो इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर, ये स्टेज आप पढ़ चुके बेटा, इसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं, जब ब्लास्टोमियर बनेगी तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम ट्रांसफर करें कहां पर, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन एक और आती है, यहां पर मोर देन, याद रखिए मोर देन 8 सेल, इसको भी ब्लास्टोमियर ही बोलेंगे, है ना, ये हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफर कहां पे करेंगे, इसको बेटा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे, अब इसको ट्रांसफर कहां पे किया जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे बेटा यूट्रस में। रीजन क्यों बेटा इसका ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि आप जानते हो कि जब 8 सेल से ज्यादा होती है, 16-32 हो जाती है, अब इम्प्लांट कहां पे होता है, वो बेटा इम्प्लांट होता है वॉम्ब में या यूट्रस में, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी कोई ऐसा नहीं, आप समझ लो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बना दिया है, टेस्ट ट्यूब बेबी ये कंडीशन होती, टेक्निक होती है, ठीक है। यहाँ पर डोनर का भी स्पॉन ले सकते हैं और हस्बैंड का भी ले सकते हैं, अगर डोनर का लेंगे तो आप देखिएगा लैब में क्या होता है, वहां पर
फॉर्म जो होता है उसको क्रायोप्रिजर्वेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन इस टेक्निक के थ्रू बेटा उसको रखते हैं, टेम्परेचर कितना होगा -196 सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक लिक्विड नाइट्रोजन, याद रखिएगा स्टूडेंट, लिक्विड नाइट्रोजन ये लेंगे, ये लिक्विड नाइट्रोजन क्या है, ये प्रिजर्वेशन का वर्क करेगा, तभी इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ये मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। और जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बना था वो बेटा कहाँ बना था, वो इंग्लैंड में बना था, है ना। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी फर्स्ट बनाया। अपनी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में बना था फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, वो भी गर्ल्स थी। इंग्लैंड की भी गर्ल्स थी, यहाँ पर भी गर्ल्स बेबी बॉर्न हुई थी, है ना। यहाँ पर डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, इन्होंने सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया अपने इंडिया में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आई होप दैट यू वुड बेटर अंडरस्टैंड टुडेज क्लास, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।